वेलकम टू माई चैनल स्टडी ऑनलाइन लाइन वन पॉइंट वन वन इस चैनल पर आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है और आज की जो ये हमारी वीडियो है ये एक ड्रग के बारे में है दैट इज कॉल्ड एज नेफसिलिन नेफसिलिन पेनिसिलिन की क्लास में से एक ड्रग है इसका मार्केटेड ब्रांड इसका डोजेज फॉर्म क्लिनिकल यूजेस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एडवर्स इफ़ेक्ट्स पर हम इस वीडियो में बात करेंगे लिहाजा आप इस वीडियो को एंड तक देखिए स्टार्टिंग विद द ब्रांड नेफसिलिन का इंजेक्शन अवेलेबल होता है मार्केट में और ये दो ग्राम पर वाइल इंजेक्शन है और बड़ा आसानी आपको मार्केट से मिल जाता है लेकिन आप खुद से नहीं यूज़ करते क्योंकि इंजेक्टेबल है तो डॉक्टर के प्रेस्क्राइब करें तो आप लेते हैं इसके अलावा एक तो इंजेक्टेबल सोल्यूशन है इसके अलावा पाउडर फॉर इंजेक्शन भी अवेलेबल है इसके अलावा जो पाउडर फॉर इंजेक्शन है यानी कि आप खुद से रिकंस्टिट्यूट करते हो एक ग्राम दो ग्राम और दस ग्राम तक इसके पाउडर्स आते हैं मैकेनिज्म बहुत जरूरी है कि यह बैक्टीरिया को किस तरह से मारता है तो देखिए बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टिडोग्लाइकन में ये जो आप देख रहे हैं कि एक ही चेन है और दूसरी चेन है ये आपस में मिलती है इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेप्टाइडेशन और ट्रांसपेप्टाइडेशन के लिए एक इंजाइम है जिसका नाम है इस एंजाइम के जरिए ट्रांसपेप्टाइडेशन होती है आपकी जो ड्रग है पेनिसिलिन, वो इस इंजाइम को ब्लॉक कर देती है जिसकी वजह से ट्रांसपेप्टाइडेशन नहीं हो पाएगी पेप्टिडोग्लाइकन की जो वॉल है नहीं बन पाएगी जब बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक्टीरिया की सेल डेथ हो जाती है सो दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नेफसेलिन क्लिनिकल यूजेस यानी आप बैक्टीरिया को किल करते हो इन्फेक्शन में तो अगर बहुत सीवियर काइंड ऑफ इन्फेक्शन हैं एक ग्राम तक की ड्रग आप इस्तेमाल करते हो अब इसमें जैसे स्टेफाइलोकोकल एंडोकार्डाइटस है यानी स्टेफाइलोकोकस से जो हार्ट का इंफेक्शन हो जाता है उस तरह के इन्फेक्शन में फिर आप इवन दो ग्राम इंट्रावेनस ड्रग इस्तेमाल करते हो एवरी फोर आवर्स चार से छः हफ्तों तक ये जो है आप कोर्स लॉन्ग भी कर सकते हो साथ में रिफेम्पिन वगैरह भी ऐड कर सकते हो जेंटामाइसिन ऐड कर सकते हो अगर प्रोस्थेटिक्स अवेलेबल है और ब्रुसाइटिस या सेप्टिक इन्फेक्शन जो है उसमें दो ग्राम इंट्रावेली ड्रग इस्तेमाल करते हो एवरी फोर आवर्स तो यानी कि ये सीवियर काइंड ऑफ इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग है और क्योंकि ये जो है पेनिसिलिन की क्लास से ताल्लुक़ रखती है तो एलर्जिक रिएक्शन जैसे हाइपर सेंसिटिविटी न्यूट्रोपिनिया या फिर जो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस यानी किडनी की प्रॉब्लम्स या थोड़ा बहुत पोटाशियम लेवल को डिक्रीज कर देना इस तरह के एडवर्स इफेक्ट्स हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट वॉज़ द ड्रग कॉल्ड नेफसिलिन जो कि पेनीसिलन से बिलोंग करती है और ये जो हमारे पास कोर्स है दैट इज़ एंटी माइक्रोबियल्स कोर्स जिसमें हम तमाम की तमाम एंटी माइक्रोबियल्स डिस्कस करते हैं इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए इसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब कीजिए और इस पूरे कोर्स में तमाम वीडियोज़ को देखिए ताकि एंटीबाटिक्स को आप अच्छे से मास्टर कर सकें